नमस्कार, मैं शीला मेहता अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर को, जिन्होंने हमें इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया, हमें अवसर प्रदान किया। भारत के सातों कल्चरल जोनल सेंटर आज पैंडेमिक में भी निरंतर कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। इसके पीछे का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि कला और कलाकार को जीवित और जीवंत रखना बहुत जरूरी है। कला समाज की बैकबोन है। वैसे देखें तो मनुष्य का चरित्र और उसका संपूर्ण विकास कला के बिना संभव ही नहीं है, लेकिन मुश्किल ये है कि कभी कभी हमारी सोच आर्थिक लाभ तक ही सीमित रह जाती है। कला अनुभव से विकसित होती है और यह अनुभूतियों का विषय है। जैसे हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना हम जी भी तो नहीं सकते। हवा प्राणवायु है और कला भी समाज की प्राणवायु है। हमारी शास्त्रीय नृत्य कला सिर्फ शरीर का संचालन और गति नहीं है, बल्कि ये नृत्य हमें अपने अंदर के विकास यानी कि आध्यात्मिक की ओर जाने अनजाने में ले जाते हैं। ये कला हजारों साल से हमारी परंपराओं में शामिल है। इसे कलाकारों ने, विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने अपनी गहरी साधना और तपस्या से अर्जित किया है और गुरुओं ने इसे आगे बढ़ाया। आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ आपके सामने 13 मात्रा में रास ताल। मगर आरंभ करने से पहले एक इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। कथक नृत्य एक ऐसा नृत्य है जहां हम ताल को नाचते हैं और सम का हम अद्भुत आनंद लेते हैं। इसका आदान प्रदान होता है कलाकार और श्रोतागण के बीच में। कथक के राजा समान पंडित बिरजू महाराज जी कहते हैं कि ताल की जो मात्रा है वह गोपी की तरह है। बहुत सुंदर बात की है उन्होंने, जो कृष्ण रूपी सम तक पहुंचना चाहती है। ऐसे देखें आप तो लय की तीन स्थितियां हैं जिन्हें हम जन्म, जीवन और मृत्यु की तरह यदि समझें। ये तीन स्थितियों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात सर्जक, पालनहार और संहारक के रूप में समझा जा सकता है। मजे की बात यह है कि इन तीनों ही स्थितियों को ताल के आवर्तन में अनुभव किया जा सकता है। अब जरा सोचिए, ऐसे तालों की साधना करते हुए हम विलक्षण अनुभूतियों से जरूर से गुजरेंगे, करेक्ट? रास ताल के बाद हम ठुमरी प्रस्तुत करेंगे। छाड़ो छाड़ो जी बिहारी नारी देखी सगरी, बहुत ही सुंदर ये ठुमरी है। साधारण रूप से हम हर ठुमरी को बस ठुमरी है इस नज़र से हम देखते हैं और देखा जाता है, लेकिन जब इसे दार्शनिक दृष्टि से समझेंगे तो कुछ और ही छवि बनती है। और गुणीजनों ने अच्छा कहा है कि जब हम कृष्ण लीला की बात करते हैं तो वहाँ कान्हा गोपियों की गगरी को कंकर मारते हुए दिखाई पड़ते हैं। और अब देखिए, यह गगरी और कंकर क्या है?
गगरी यानी देह रूपी घड़ा जिसमें आत्मा रूपी जल भरा है, जो कृष्ण रूपी ब्रह्मन के कंकर से टूट जाता है। कृष्ण के कंकर से जीवन रूपी घड़े के फूटते ही जल रूपी आत्मा ब्रह्मा में विलीन होती है। जीव को शिव प्राप्त होता है। कितनी सुंदर तरीके से इन ठुमरी और काव्य के माध्यम से हम जीवन के गूढ़ तत्व दर्शन को समझते हैं और इस तरीके से समझाया गया है। शास्त्रीय नृत्य में हम आरंभ में कोई एक इष्ट देव की आराधना करते हैं, यानी कि स्तुति करते हैं साधारणतः, और इससे आप देखिए एक पवित्र वातावरण का हम निर्माण करते हैं। हमारे शास्त्रीय नृत्य ज्यादातर योग के सिद्धांत पर आधारित है। नृत्य के राजा को भी शिव माना गया है और शिव महायोगी है। योग का सिद्धांत है आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाना। ऐसे हमारे नृत्य काफी योग से संबंध रखते हैं। एक बात और, आज की नई पीढ़ी बहुत समझदार है, तो यदि इस भाव से भी नृत्य की साधना करे, प्रैक्टिस करे, ताकि हम अपने अंतरात्मा को ऊर्जावान बना सके। अब जब बाहरी जगत में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं तो कहीं हम भीतर से बिछड़ न जाए, इसीलिए बाह्य जगत और अंतर जगत के बीच एक संतुलन बनाए रखना होता है। हमें अपने अंतर्मन को इतना सशक्त बनाना है ताकि हम अपने आप को पा सके, और ऐसे देखें तो अपने को पाना ही जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। हम सब जानते हैं भारतीय परंपराओं में बहुत सारे मार्ग बताए गए हैं इस अपने आप को पाने के लिए, और उनमें से एक आसान, सरल और बहुत सुंदर मार्ग है हमारा शास्त्रीय नृत्य संगीत। और देखिए, कृष्ण ने गोपियों को नृत्य और बांसुरी से ही, उसके माध्यम से ही आध्यात्मिक मार्ग बताया है। तो आइए अब हम आरंभ करते हैं ऐसे कथक नृत्य की यात्रा आपके संग। नमस्कार।
मैं जल जमो बर न गई पनिया, मैं जल जमो बर न गई लपक झपक फोरी मोरी गगरी, हाँ देखो फोरी मोरी गगरी, छाड़ो 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 जी बिहारी नार देख देख सगरी, छाड़ो 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 जी बिहारी नारी देख देख सगरी, छाड़ो छाड़ो जी बिहारी, छाड़ो छाड़ो जी बिहारी, छाड़ो छाड़ो जी बिहारी नारी देख देख सगरी।